नमस्कार करोची, प्रणाम करोची, एक बार फिर स्वागत है सब मतलब के अपन चैनल नेचर ऑफ में नवका और लेटेस्ट व्यू के साथ। आज हम फिर अहाँ लग आएल छे क्लास टेंथ के मैथिली चैप्टर नंबर 14 थे। तो अहाँ के मैथिली के तैयारी केहन चल रहा है कमेंट सेक्शन में सेहो बता देबे। चैनल पर नवका छी तो चैनल के सब्सक्राइब करे के आ बेल आइकन के हिट करे के कि आके अगुलका वीडियो के नोटिफिकेशन आके एना के भेटा जाए। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ाने जा रहा छी मैथिली की क्लास मस्ती वाला क्लास है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुख दुख के जीवन के समझे वाला चैप्टर है। यदि अहाँ देखबे फुल वीडियो वॉच करबे तो अहाँ के सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर भ जाए किया कि ये तो गद्य खंड है। ठीक है, पद खंड है, गद्य भ गए तो अहाँ के याद रखे के या यदि अहाँ अब्सेंट करे छी, अहाँ नहीं देखे छी तो अहाँ पिछुलका प्ले लिस्ट में जाके देख सकै छी किया कि एक भी चैप्टर छूट जाए तो अहाँ के ओतय सब्जेक्टिव पूछ देता, अहाँ के लफड़ा भ जाए, तो अहाँ के लफड़ा में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर कति छै 14 छै चैप्टर। देखियौ अब मात्र 14 चैप्टर छै तो 8 चैप्टर बचल छै, यानी 8 दिन। तो अ महीना में अहाँ के मैथिली शेष भ जेतै, ओकरा बाद हिंदी शेषे छै, व्याकरण चल तो ओकरा बाद से रिवीजन PVI चैप्टर के रिवीजन, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के रिवीजन चलते। तो अहाँ बन रहियो, हमर सहायता करत रहियो, कमेंट करत रहियो, हम अहाँ से किछु नहीं लै छियै, सिर्फ अहाँ कमेंट करियो कि सर हम पढ़े छियै, जिंदा छियै, बस एनाहिते इएह चाही हमरा। आ वीडियो के बेसी से बेसी शेयर कर देबै अगर नीक लगे हमरा पढ़ाबे के स्टाइल। ठीक छै, आ PDF के बात छै तऽ PDF अहाँ के तुरंत भेटा जाए। हम कहने छलियै कि अइ महीना के 25 तारीख तक अहाँ के हम VVI के पूरा नोट दऽ देब, पूरा का पूरा चैप्टर दऽ देब, तो अहाँ के मिल जाएत। झूठ नहीं बजै छियै अतः से, हम की कहलहुँ झूठ नहीं बजै छियै, अहाँ के PDF भेटा जाए तो भेटा जाए। ठीक छै, चलियो पढ़ला शुरू करै छी। देखियौ चैप्टर के नाम छै समय साल, चैप्टर नंबर छै 14 छै। आइ के लेखक जे छै चंदा झा से, के छै चंदा झा लेखक छै, याद रखे कि अहाँ के समय साल के लेखक चंदा झा, रचनाकार सेहो कहल जाइ छै, लेखक सेहो कहल जाइ छै। ठीक छै, तऽ पहिने समय साल से हम अहाँके चंदा झा के बायोग्राफी दऽ दै छियै, जतऽ से अहाँके VVI ऑब्जेक्टिव रहै छै। अतऽ से ऑब्जेक्टिव रहत अहाँके, यदि अहाँके ऑब्जेक्टिवे नहि आयत तऽ चैप्टर पढ़ के की करबै, ऑब्जेक्टिव बेसी विशेष होइ छै। ठीक छै, तऽ अहाँके याद रखे के, तऽ चलियौ पहिने पढ़ै छी हम। चंदा झा के वास्तविक नाम चंद्रनाथ, चंदा झा के वास्तविक नाम की छै चंद्रनाथ झा, रचनाकार के रूप में चंदा झा नाम से प्रसिद्ध छै, आ रचनाकार जे लेखक जे बनलै तऽ ओहिमे चंदा झा के नाम से प्रसिद्ध भऽ गेलहुँ। तो वास्तविक नाम की छलै चंद्रनाथ झा छलै, आ रचनाकार में चंदा झा। दरभंगा जिला के पिंडारू गामक वासी, कौन जिला के, तो पहिने दरभंगा जिला के पिंडारू गामक निवासी छले। ठीक छै, ओकरा बाद में मधुबनी जिला के ठाठी गाम निवासी भ गेलै, तो पहिने दरभंगा जिला के पिंडारू गाम में इनकर रह बसै छले, और ओकरा बाद से मधुबनी जिला के ठाठी गाम में आ गेलै। तो मधुबनी जिला में जे अयलै ठाठी गाम में, तो ई गाम जे छलै ससुरबारी छलै, अपन निज गाम नहि छलै, अपन निज गाम मधुबनी जिला पिंडारू छलै, आ ई जे छै ठाठी जिला मधुबनी जिला में से हिनकर ससुरबारी। देखियौ याद रखे कि हाँ ससुरार में बैस गेलौं। ठीक छै, हुनकर शिक्षा दीक्षा भेले मात्रक में सहरसा के बरगामा में, वास्तविक शिक्षा जे छलै, सॉरी प्रारंभिक शिक्षा जे भेले शिक्षा दीक्षा हुनका सहरसा जिला के बरगामा में, और ओतही पढ़ी को पंडित बनि गेलौं। पंडित के अर्थ विद्वान होइ छै, तऽ ओतय पढ़ि के प्रारंभ से अंत तक ओतय पढ़लौं, आ ओतय से पंडित बनि गेलौं, विख्यात बनि गेलौं। ठीक छै, हिनकर जन्म जे छै 20 जनवरी 1831 ईस्वी में भेलै, आ मृत्यु 14 दिसंबर 1907 में, यानी दीर्घ आयु जीलौं। ठीक छै, तो याद रखे कि अहाँ के जन्म कहिया भेलै 1831 में, आ मृत्यु भऽ गेलै 1907 ईस्वी में। ओकरा बाद कहै छै महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह तथा रमेश्वर सिंह राज दरबार में मृदुमत पंडित रहथिन, यानी जे दुईटा राजा भेलै महाराज लक्ष्मीश्वर आ रमेश तथा रमेश्वर सिंह के राज दरबार में विद्वान रहल। पंडित के की अर्थ होइ छै, विद्वान के रूप में ओतय काज कयलहुँ। पहले के जे अच्छे मतलब कि जे विद्वान रहै छलै, तो ओहि समय में तो सरकारी नौकरी नहीं छलै, मुदा अहाँके याद रखे कि राज दरबार में उच्च कोटि के जे पद पर जे हिनका विराजमान कयल जाइ छै, पहिने के विद्वान एनाहिते होइ छलै जॉब। ठीक छै, ओकरा बाद मैथिली कवि आ अनुवादक रूप में प्रसिद्ध छै, हिनकर प्रसिद्धता जे चंदा झा के प्रसिद्ध कथी से भेलै, तऽ मैथिली के कवि के रूप में, और अनुवादक के, अनुवादक बुझै छियै जेकरा ट्रांसलेटर कहल जाइ
जाइ छै, तऽ अनुवादक दोनों रूप में जे छै चंदा झा जे छै प्रसिद्ध छथिन। तऽ ई की भऽ गेलै, चंदा झा के बायोग्राफी भऽ गेलै, जे अहाँके याद रखे के यऽ, अहाँ चाहै छी तऽ स्क्रीनशॉट लऽ लियो, ठीक छै। ओकरा बाद हम अहाँके बता रहल छियै कि समय साल के की छै, इम्पोर्टेंट चैप्टर छै, अहाँके याद रखे के यऽ, ठीक छै। तऽ अहाँ आर के भूले कि नहि का भूल जाइ छै बहुते विद्यार्थी, आब हम अहाँके चैप्टर लऽ लै छियै आ ओते से पढ़बै छियै, ठीक छै। यऽ पेज नंबर 120 निकालियो अहाँ जो रहै थे, एनाते देखियो, अतः देखियो पेज नंबर 120 छै, ठीक छै। तो हम एक्सप्लेन करै छियै, बेसी नहि छै, तनके छै, छोटके छै, 10 मिनट के वीडियो, समटा वीडियो के अहाँ अंत तक देखबै। देखियो एहिमे की छै कि जे किसान रहै छै ने, तऽ किसान के ऊपर पूरा कविता लिखल छै पूर्ण रूप से, कि केना केना जे भादो आबै छै, सुखा जाइ छै, वर्षा होइ छै तऽ दहा जाइ छै। इएहमे किछु देने छै, कहै छै कि भदै सुखायल धान दहाय, भादो के जे माह आबै छै तऽ ओहिमे धान सुखा जाय, सुखायल धान दहायल, किछु महिनामे सुखा जाइ छै आ भादो जे कादो होइ छै, वर्षा होइ छै, ओहिमे दहा जाइ छै, तत्ते पानि आबै से दहा जाइ छै। गरीब किसान की करत उपाय, आ जे बेसी बाढ़ के पानि आ जाइ छै, अनाज जे छै दहा जाइ छै, तऽ गरीब किसान की उपाय करतै, केना बचेतै, कोना दिन काटत जीवत की खाय, आ बाल बच्चा मिली के रे हाय हाय, यानी कोन दिन काटत क्यों की जाय, यानी कि केना दिन कटतै, जेना धान के खेती दहा जेतै तऽ केना दिन कटतै आ केना जीतै, किछु अनाजे नहि रहतै केना जीतै, केना जीवन कटतै। बच्चा सब भूख से जे करै छै हाय हाय करै छै, बच्चा सब तऽ नहि बुझै छै ने कि अनाज नहि छै दहाय के लिए, बच्चा के तऽ भूख लगल रहै छै, ठीक छै। हृदय जून फाटत जाए, हृदय जनू आ एहि दुख से जे बाढ़ के मौसम आबै छै, बाढ़ में दहा जेतै, ऐसे हमार हृदय जे छै से फाटि जाइ छै। बांधल छहर ऊंच के आरी, राती दिन सब धयल कोदारी, यानी जे वर्षा होइ छै ने तऽ आरी होइ छै, जते देशज लड़का होबे तऽ अहाँ बुझै होबे कि खेत में आरी दै छै, ऊंचा बांध कर दै छै कि पानि नहि जाय। बांधल छहर ऊंच के आरी, आरी के ऊंच कर दै जाइ छै, आ रात दिन सब धयल कोदारी, रात दिन जते किसान सब छै से कोदारी लेने रहै छै आ इंतजार में रहै छै कि पानि जेना एतै कि आओर जे छै बांध के आओर ऊंचा करे कि या किया कि बेसी ऊंचा भऽ जेतै तऽ पानि अगर नहि एतै तऽ अनाज नहि देतै। सारी छल उपजल लेल सहारी, निर्दय कमला ही दहु बिचारी, सारी छह उपजल लेल सहारी, यानी जते उपजल छै सारी छल उपजल लेल सहारी, निर्दय कमला के दहु बिचारी। अब ये बिहार में जे छै, बिहार के शोक केकरा कहल जाइ छै, तो कमला नदी के कहल जाइ छै। आई बाढ़ आबै छै, कतौ से आबै छै, कमला नदी दिशा आबै छै, आ कमला से कहै छै कि कमले नदी से जे बांध टूटै छै उमड़े से आबै छै, बिहार के बहुते स्थान दहा जाइ छै, खेती सब जे छै सेहो दहा जाइ छै, धान जे छै से डूबि जाइ छै। तऽ एहिपर की विचार करतै, हारी है वैसल, आ की कहै छै, ओहि समयमे जते किसान होइ छै से सब की करै छै, हारि जाइ छै, गुमशुदा भऽ जाइ छै, की करतै, किसानके हाथमे किछु नहि छै, ईश्वर जे चाहे करै छै, कतौ अहाँ उपजा लियौ, कतेक बड़ बेसी उपज रहतै, ईश्वर नहि चेतै, बाढ़िमे डूबि जाय, ठीक छै। अगुलका कहतै समटू समटू जल कमला माय, अब कमला नदी के कहै छै, कोसी नदी कमला नदी दुनू बिहारमे छै, ठीक छै। ओते कहै छै कि समटू समटू जल कमला माय, कमला नदी के कहै छै कि अहाँ कमला माय से अहाँ गंगा के कमला के नदी के माय कहल जाइ छै, कहै छै कि अहाँ समेट लियौ, गरीब के बाल बच्चा मरल जाइ छै, अहाँ पानी दै छियै दाह में सब नष्ट भऽ जाइ छै, करू जनू एहन देवी अन्याय, हे देवी एहन अन्याय नहि करियौ, अहाँ पानी के कमला माय पानी के समेट लियौ, अहाँ देवी हो के ईश्वर हो के भगवान हो के हमरा गरीब आर पे अत्याचार करबै, केना जीबै, कतौ से खेबै, बाल बच्चा कतौ से जीतै, जब किछु बचतै नहि अनाज तऽ हमहूँ भूखल मरि जायब, हमर बालो बच्चा सेहो सब मरि जेतै। असह्य दुख होय आस, असह्य दुख होइ छै आस लगाए, कोल्हू खर्चा कर खे खाए, की कहै छै कि असल दुख होय आस लगाए, हमरा आस छै कि धान उपजतै, गेहूँ उपजतै तऽ खेबै, आस लगेने छियै, कोल्हू खर्चा कर जे खाए, अनाज के पीछे खर्चा कयने छियै, खर्चो ऊपर नहि हेतै, की खेबै, दाह मे नष्ट भऽ जेतै तऽ की बचतै। निकल जन रोय छै, जते व्यक्ति छै निकलै छै आ खेत के हाल देख के रोय छै, कमला माई से कहै छै कि कमला माई समेट लियो, एना गरीब के नष्ट भऽ जेतै। बड़ रौदी छल वरली पानी, मग अड़से से कैल नहीं हानि, अब की कहै छै कि
बर्रौदी छल बरसिल पानी बर्रौदी छल टटगर रौद छल एकदम खूब जोरदार हॉट मौसम छल आ ओहिमे वर्षा भ गेल पानी बरस गेल मघ मघ मेघ के कहल जाइ छै मघ अर्शरेसे कैलन नहि हानि आ जे ओहि समय छल तऽ मघ जे पानी बरसलै धूप के समय तऽ कोनो हानि नहि भेल चलल छल धंधा कह कनि चनि चंद है ना चलल छल धंधा कह कवि चंद यानी ओहि समय में धंधा चल गेल अपन बुते की होत काज समय भेल मंद अपन बुते की होते काज धंधा सब मंद भ गेलै वर्षा में आबै छै तऽ पानी दहा कऽ लऽ जाइ छै रौदी एते आबै छै कि सुखा जाइ छै न तो बरसे के मौसम में अनाज भ सकै छै आ न रौदी के मौसम में अनाज ठीक करे होइ छै बस इएह छै तो समय साल के की बतेने छै कि समय के अस्पष्टता देने छै कि समय कहियो पलटि सकैया कोनो व्यक्ति के भाग्य में की लिखल छै कोनो व्यक्ति नहीं जाने या आ समय कहियो पलटि सकै छै यदि एक समय एहन आबै छै कि वर्षा की आवश्यकता पड़े छै आ एक समय एहन आबै छै कि वर्षा से लोग पना मांगे छै कि हे ईश्वर वर्षा नहीं दियो अनाज नष्ट भ जेतै तो इस चैप्टर में छलै कि कमला आ कोसी नदी के विषय में कहल गेल छै कि ओतो से पानी आबै छै दाह आबै छै अनाज नष्ट भ जाइ छै गरीब किसान हाय हाय करै छै बाल बच्चा भूखल मरल जाइ छै केना हेतै बड़का ऊंच के आरी बांध दै छै मुदा तैयो खाइस पड़ै छै दिन रात कोदारी लऽ के किसान आर लगल रहै छै तैयो अनाज नहीं बचै छै तो इएह छलै ई चैप्टर में अहाँके चैप्टर समझ के निक लगल तो अहाँ वीडियो को लाइक कर लेबै कमेंट सेक्शन में जरूर बता देबै आ यदि चैनल पर नवका छै तऽ चैनल के सब्सक्राइब करे के बेल आइकन दबा दिया ताकि अगला वीडियो के नोटिफिकेशन आके भेटा जाए वीडियो को बेसी बेसी शेयर कर दे ठीक छै तो चलिए दियो अपन हसान सर के इजाजत मिले छै अगला क्लास में ई हंसी खुशी मस्ती के संग जब तक लेल जय हिंद वंदे मातरम।